सीखेंगे हम पासपोर्ट साइज फोटो को प्रिंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए, प्रिंट करने से पहले कई सारी सेटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको मिस्टर फोटो से पहले फोटोशॉप में आपको पासपोर्ट साइज फोटो का डिजाइन करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो का डिजाइन आपके सामने है, हमने ऑलरेडी करके रखा है। बस सीखेंगे हम कि इस फोटो को मिस्टर फोटो में कैसे लेके जाते हैं और वहां पे पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। पेज की सेटिंग की बात ले लिया जाए तो देखिए, इस तरीके से पेज की सेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप वहां प्रिंट करते हैं तो एक पेज पर कितना फोटो आना चाहिए, ठीक है। पेज की साइज क्या होनी चाहिए, फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, एक पेज पर कितना रो कितना कॉलम होना चाहिए, वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको मिस्टर फोटो में सेटिंग करना पड़ेगा। तो आज हम ये सीखेंगे कि मिस्टर फोटो में पेज की सेटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, का हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करना है। यहाँ पे मिस्टर फोटो सर्च कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मिस्टर फोटो ऐड किया, मिस्टर लिखा और मिस्टर फोटो यहाँ पे आ गया। हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने खुल के आएगा। एक बात याद रखिएगा, अब आपको यहाँ पे ना पहला काम हुआ पेज की सेटिंग करना, ठीक है, कि मतलब एक A4 साइज पेपर पे हमारा फोटो कितना प्रिंट आउट होकर निकलेगा, उसकी सेटिंग क्या होगी, सारा कुछ सीखेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ना आप जाएंगे प्रिंट कलेक्टिंग, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, इस सेकंड वाले ऑप्शन से। क्लिक करने के बाद एक विंडो इस तरीके से खुल के आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पेज की सेटिंग करना है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से पेज का जो पासपोर्ट साइज का फोटो दिखा रहा है, इस तरीके से फॉर्मेट में दिखा रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। देखिएगा दो दो फोटो के बीच में स्पेस भी दिया गया है। मुझे इसे सही से सेट करना है, मतलब पेज की सही सेटिंग करना है, ठीक है, कि कितना रो कितना वाला, पेज के साइज के सारा कुछ, ये सब कुछ मुझे इसमें सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, पेपर स्टाइल। आपको पेपर स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ना पूरे पेज की सेटिंग करेंगे। अब पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, पेज की सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिएगा, आपको जाना यहां पे है, कहां पे, जहां पे पेपर की पूरी यूनिट सेंटीमीटर इंच सब कुछ दे रखा है, बस यहां जाना आपको। अब यहां जाने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट में जहां लिखा है ना पेपर हाइट, यहां पे ऑलरेडी 279 लिखा हुआ है, तो आपको इसे ऐसे रहने दीजिए, यहां कुछ नहीं चेंजिंग करना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी कुछ और लिखा हो तो आप इसे एडिट कर लीजिएगा। बस यहाँ पे ना 297 होना चाहिए, ठीक है, विड्थ भी 210 होना चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। बट आप आ जाइए यहाँ पे जहां लिखा है टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन, इसकी सेटिंग करना है आपको। यहाँ पे ना 3 mm रखना है, 3 mm आपका टॉप भी रहेगा और 3 mm आपका लेफ्ट भी रहेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब आएंगे हम नीचे जहां पे लिखा है लेआउट। लेआउट में फर्स्ट में दे रखा है टोटल रो, मतलब कह रहा है रो कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए, ठीक है, और कॉलम कितना होना चाहिए, तो कॉलम 6 होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके सिस्टम में, आपके मिस्टर फोटो में मान लीजिए कुछ और लिखा हो तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा, आपको इसी फॉर्मेट में चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पे रो और कॉलम, इसकी ग्रुप कितना होना चाहिए, तो आप कर दीजिएगा इसे 2-2 का, ये देखिएगा हमने इसे 2-2 mm कर दिया, ऐसे भी कर दिया। अब बात आ रही है नीचे आ जाइएगा जहां पे आपको देना है सेल की हाइट और विड्थ, ठीक है, तो यहां पे mm मुझे रखना है 39, मतलब 39.5, ठीक है, और विड्थ भी इतना होना चाहिए, तो कर दीजिएगा 32.3, बस इतना आपको ऐड करना। अब देखिएगा आपके पेज की पूरी जो साइज है वो ऑटोमेटिक सब पे सेट हो गया। अब इतना करने के बाद ना आप इसे क्या करोगे, ओके नहीं करोगे, ओके नहीं करना आपको, ओके करने से पहले इसे आप सेव करोगे। तो सेव करने के लिए आपको सेव एज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इस सेटिंग का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप देना चाहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, बस इतना करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिएगा ऊपर जहां पे लिखा है स्टाइल नेम, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आ गया लिखकर, अब आपको यहाँ पे कर देना है ओके। ओके करने के बाद देखिएगा अब आपकी पेज की साइज
चेंज हो गई, सेटिंग भी चेंज हो गई, फोटो भी चेंज हो गई। अब बात आ रही है यहाँ पे फोटो सेट करना। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आपने देखिए पिक्चर्स का सिंबल यहाँ दिखा रहा है, ये वाइट दिखा रहा है, मुझे क्या करना है, ये सारा का सारा इमेज हटा देना है। तो हटाने के लिए आपको ब्लैंक पे क्लिक करना, व्हाइट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा जैसे क्लिक करिए देखिए ऑटोमेटिक ये व्हाइट होता चला जा रहा है, मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब इसमें फोटो मुझे ले आना है, देखिएगा ऑलरेडी मेरा फोटो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आप लाना चाहते हैं, आपको नहीं पता कैसे फोटो आता है, तो आपको करना है यहाँ पे इस फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ट्रैक कर देना है और छोड़ देना। नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको पहले करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे बाहर जाना होगा और यहाँ ला के सेट करना है फोटो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे फोटो सेलेक्ट करोगे और ला के यहाँ पे छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद इस तरीके से पेज खुल जाएगा, यहाँ पे ओके कर देना आपको। ओके करने के बाद हम इसे बड़ा कर लेंगे। अब हम जाएंगे फोटो फन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे लिखा है पासपोर्ट साइज फोटो। अब मुझे इसे ब्लैंक करना है, तो ब्लैंक ऐसे कर दीजिएगा, इस सारा का सारा आपका ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद जो फोटो आप प्रिंट करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर क्लिक कर देंगे, देखिएगा ऐड हो गया। मान लीजिए मुझे 6 फोटो निकालना है तो 6 फोटो ही सिलेक्ट करेंगे, मुझे और फोटो चाहिए, बस इस जो आपका बॉक्स बना हुआ है इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक फोटो सेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक काम और करना है, पेज की सेटिंग। अब पेज की सेटिंग के लिए ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा है ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आउटलाइन चाहते हैं अगर आप, तो आउटलाइन चेक कर दीजिएगा, अगर आप नहीं चाहते तो अनचेक कर दीजिएगा। अनचेक करने के बाद बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और ओके करना है। जब ओके करेंगे ना तो एक विंडो खुल जाएगा, ये लिखा है आपका कि मतलब दिस फोटो ओनली या ऑल फोटो, मगर ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक से अधिक फोटो ले रखा है और आउटलाइन सिर्फ एक पे चाहिए, तो दिस फोटो ओनली पे, मान लीजिए सिर्फ एक पे आउटलाइन नहीं चाहिए तो दिस ओनली फोटो पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा जितना फोटो हमारा है उसमें किसी भी आउटलाइन ना आए, तो आपको ऑल फोटो पे कर देना है क्लिक और कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आपको प्रिंट करना है। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए करना पड़ेगा, आपको प्रिंट पे जाना होगा। आप प्रिंट पे जाने के बाद अब आएंगे यहाँ पे जहाँ पे लिखा है प्रिंटर नेम, आपको यहाँ क्लिक करना है, मुझे कौन सा प्रिंटर चाहिए, तो मुझे ये वाला प्रिंटर चाहिए, हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे पूछेगी क्वालिटी, तो क्वालिटी आपकी होनी चाहिए हाई, तो आप हाई ले लीजिएगा फुल और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रे स्केल है, मुझे कलर चाहिए, कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद बस फिर आपको ओके कर देना है और ये आपका प्रिंट आउट निकाल देगा फोटो प्रिंटर से, ठीक है। ओके कर दिया हमने और ये आपका प्रिंट आउट निकाल देगा। क्या हमारे पास यहाँ पे बता रहा है नॉट रेडी, क्योंकि प्रिंटर हमारा लगा नहीं है, अगर प्रिंटर लगा होता तो प्रिंट आउट होके बाहर निकल जाता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे हमारी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए जो ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।